MS धोनी ने एम्पायर से 4 मिनट बहस क्यों की, जाने ये नियम। महेंद्र सिंह धोनी एम्पायर के साथ जो बहस हुई वो घटना मैच के गुजरात की पारी के 16वें ओवर की रही। धोनी की ये बहस पति राणा से गेंदबाजी को कराने को लेकर हुई थी। बीच मैच में एम्पायर से धोनी का यूं बहस करना शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन धोनी बेवजह कुछ करते भी तो नहीं है। चलिए अब बहस हुई है तो वो सिर्फ 4 मिनट ही क्यों चली। चेन्नई के मैदान पर 23 मई को IPL का पहला क्वालिफायर मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात आमने सामने थी। लेकिन धोनी की एम्पायर के साथ जो बहस हुई थी घटना मैच के गुजरात की पारी के 16वें ओवर की रही। हुआ ये कि गुजरात की पारी का 16वें ओवर धोनी अपने तेज गेंदबाज मथीसा पितराना से कराना चाहते थे, लेकिन ऑन फील्ड पर एम्पायर ने उन्हें ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर स्क्वैचर में लेग एम्पायर ने धोनी से चर्चा करने लगे। इसमें CSK के 2-3 टीममेट और जुड़ गए। खेल रुक गया और औरत तक तब तक जारी रहा जब तक CSK का काम नहीं बन गया। सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर पिता राणा से गेंदबाजी कराना चाहते तो एम्पायर ने उसे क्यों रोका। वो इसलिए क्योंकि उनके पिता राणा ग्राउंड पर नहीं थे। जब वे ग्राउंड पर नहीं थे तो फिर सीधे गेंदबाजी कैसे कर सकते हैं। क्रिकेट के नियम इसकी इजाजत नहीं देती है, इसी वजह से एम्पायर ने भी मना कर दिया था। आइए आपको मैं विस्तार से बताता हूँ क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं। नियमों के मुताबिक गेंदबाज जितनी देर का ब्रेक में रहता है उतना ही वक्त मैदान में बिताने के बाद ही फिर वो गेंदबाजी कर सकता है। CSK के कप्तान और एम्पायर के बीच तब तक बहस चलती है तब तक पितराना का समय पूरा हो गया और गेंदबाजी करने के लिए जुड़ गए अपनी टीम के साथ और गेंदबाजी करने लगे।